गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रीड करेंगे चैप्टर 3 पेज नंबर 41। चैप्टर 3 का नेम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। मतलब हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक और प्लास्टिक का यूज सबसे ज़्यादा आजकल कहते भी हैं कि प्लास्टिक का एज आ गया है, ठीक है। मोस्टली चीज़ों को आजकल प्लास्टिक में यूज किया जा रहा था, प्लास्टिक हमारे बहुत ज्यादा यूज में आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द नेचुरल फाइबर इन द अर्लियर चैप्टर क्लास। नेचुरल फाइबर लाइक सिल्क एंड द वूल आर द ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, वेयर इज द कॉटन जूट एक्सेट्रा आर द ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। इन फाइबर सो ऑब्टेन आर स्पन इन टू यार्न एंड देम वोवन एंड निटेड इन द फैब्रिक विच इज यूज टू मेक क्लोथ्स। अब क्या होता है, हमने इससे पहले नेचुरल जो नेचर से फाइबर ऑब्टेन होते हैं, मतलब नेचुरल फाइबर के बारे में पिछली क्लास में हमने पूरा पढ़ लिया था। नेचुरल फाइबर भी दो टाइप के थे। फर्स्ट नेचुरल फाइबर थे जो एनिमल से ऑब्टेन होते थे, सेकेंड टाइप के नेचुरल फाइबर थे जो प्लांट से ऑब्टेन होते थे। प्लांट से ऑब्टेन होने वाले कॉटन थे एंड जूट थे, एंड एनिमल से ऑब्टेन होने वाले थे वूल और सिल्क। इनको हम क्या करते थे, इनके स्पन से हम यार्न बनाते थे, धागे बनाते थे, और यार्न को वोवन एंड निटेड करते थे। इनको निटिंग होती है मतलब बुनाई, निटिंग करके और वोवन दोनों से पूरा हमें फैब्रिक तैयार करते थे। ये फैब्रिक से क्या ये बनाते थे, हम क्लोथ बनाते थे। डू यू नो that there is another category to fiber called synthetic fiber, which are extensively used in the manufacture of factories and they do not come from either animal or plant. What is the source of these fiber? The synthetic fiber are artificially made and are also known as man-made fiber. अब एक दूसरे type का fiber है synthetic fiber. अब सिंथेटिक फाइबर ना तो एनिमल से ऑब्टेन होता है ना प्लांट से ऑब्टेन होता है। ना एनिमल से ऑब्टेन हो ना प्लांट से ऑब्टेन हो, तो ऑब्टेन कहाँ से होता है? तो इसको ये मैन मेड फैक्ट्रियों में, इनकी मेड कहाँ की जाती है, फैक्ट्री में। तो दे मेड इन फैक्ट्री, इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल मेड या मैन मेड फाइबर बोलते हैं। बिकॉज they are manufactured of fiber and they do not come from either animal or plant. What is the source of these fiber? The synthetic fiber are artificially made and also known as man-made fiber. क्यों? क्योंकि इनको मेकिंग का कौन कर रहा है, मैन कर रहे हैं, नेचर से मेक नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर बोलते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर, बिफोर वी डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म पॉलीमराइजेशन। बिफोर वी डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म पॉलीमराइजेशन। इन अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स As shown in the figure 3.1a, there are many beads which are joined together with the help of the thread. अब string, हम क्या एक तार लेते हैं, तार में क्या beads को हम क्या करते हैं, उसके अंदर लगाते जाते हैं तार को, एक तार many beads को हम क्या करते हैं, आपस में join कर देते हैं thread के help से। तो अगर हम एक in a string of beads, beads की string लेंगे और उनको क्या करेंगे, बहुत सारी बीड्स को आपस में टुगेदर कर देंगे हम थ्रेड की हेल्प से। इन अ ब्रिक्स वॉल, जो हमारी बीड, ये देखिए ये हमारे डायग्राम में दिख रहा है, ये बीड्स इन अ स्ट्रिंग, ये हमारे एक तार में पूरा बीड्स पिरोई हुई है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे बीड्स क्या है, टुगेदर ज्वाइन है आपस में विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो बहुत सारे बीड्स आपस में
ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, हमारा एक स्प्रिंग बना लेते हैं। ऐसे ब्रिक्स ऑफ वॉल, ये हमारी ब्रिक्स की वॉल है, ये किससे बनी है, ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स को, बहुत सारी ब्रिक्स को ऑल टुगेदर क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। तो यही बता रहे हैं, इन अ ब्रिक्स वॉल ऑल्सो देयर आर मैनी ब्रिक्स ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड। इफ वी कंसिडर द बीट्स ऑफ द स्ट्रिंग और द ब्रिक्स ऑफ द वॉल एज द स्मॉलेस्ट मोनोमर्स यूनिट, द स्ट्रिंग एंड द वॉल विल रिप्रेजेंट द सिंथेटिक फाइबर वेयर मैनी मोनोमर्स यूनाइट कम्बाइंड टू फॉर्म अ लार्ज स्केल लार्ज सिंगल यूनिट कॉल द पॉलीमर। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज मोनोमर्स यूनिट इन टू अ लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अ पॉलीमर इज अ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जैसे हमने आपको बताया, ब्रिक्स ऑफ वॉल, बहुत सारे ब्रिक्स को ऑल टुगेदर क्या कर दिया जाता है, उनको ज्वाइंट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड। अब तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, ब्रिक्स, और स्ट्रिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, बीट्स। तो अब बीट्स की बहुत, मतलब ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, जो एक यूनिट हो गई, इसको हम बोलते हैं मोनोमर्स। तो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होकर क्या बना लेते हैं, पॉलीमर। ऐसे ही हम क्या बना करेंगे, सिंथेटिक फाइबर में भी। तो हमारे जो ब्रिक्स और जो ब्रिक्स हो गए, बीट्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, मोनोमर। और बहुत सारे जब आपस में ज्वाइन हो गए तो पॉलीमर हो गए। इससे जो बना, जैसे स्ट्रिंग ऑफ बीट्स और वॉल है, ये क्या हो गए, हमारे सिंथेटिक फाइबर जैसे। तो सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं, बहुत सारे मोनोमर को आपस में क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, तो पॉलीमर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज मोनोमर्स, इन मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करके लार्ज पॉलीमर बना लेना, बड़ा पॉलीमर बना लेना, हमारा कहलाता है पॉलीमराइजेशन। अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, बहुत सारी यूनिट्स को आपस में रिपीट करके पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। मोनोमर्स आर आइदर लिंक इन अ लाइनियर फैशन और अ क्रॉस लिंक फैशन। देखिए ये हमारा दिखा है, ये हमारा लीनियर है और ये हमारा क्रॉस लिंक है, ठीक है। ये एक लाइन में है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइनियर। और ये हमारा क्रिस क्रॉस है, इसलिए लाइनियर मोनोमर और ये हमारा क्रिस क्रॉस। पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड इज अ प्रोटीन फॉर्म बाय जॉइनिंग मैनी अमीनो एसिड। सिमिलरली सेलुलोज, द सोल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब हमारे नेचर में भी बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर ऑकर इन नेचर, पॉलीमर नेचर में भी होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका मोनोमर है, हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स इसमें रहते हैं, प्रोटीन रहता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन ज्वाइन होकर क्या बना लेते हैं, अमीनो एसिड। तो ये हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, ब्लड में मिलता है, जिसमें एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन हमारा क्या, एक प्रोटीन है, जो किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड क्या हो गया, मोनोमर, और हीमोग्लोबिन क्या होगा, एक पॉलीमर हो गया। ऐसे ही सेलुलोज, सेलुलोज किससे बना होता है, सेलुलोज से क्या बनता है, कॉटन फाइबर। और ये किससे बना होता है, ग्लूकोज को, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बना जाता है, सेलुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है। रेयॉन, अब हम बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले रेयॉन, रेयॉन ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क वॉज फर्स्ट ऑप्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वूल पल्प। ऑल्दो रेयॉन इज ऑप्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड पल्प इज अ मैन मेड फाइबर, इट इज चीपर एंड देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। इट कैन बी डाई इन अ वाइड वेराइटी ऑफ द कलर्स। इट कैन बी मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड लाइन लिनन, वेयर इज वेन मिक्सड विद वूल इट इज यूज टू मेक कारपेट्स। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स टाइज एक्सेट्रा। तो रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको ऑप्टेन किया गया था केमिकल ट्रीटमेंट से, कैसे बनाया गया था, वुड पल्प। पल्प मतलब होता है
ना तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो ना बहुत ज़्यादा सॉलिड हो। पल्प मतलब एक तरह से गूदा होता है हिंदी में उसको बोलते हैं ना, जैसे आम का पल्प होता है, पल्पी जो हमारे जो आम लोग मैंगो शेक बनाते हैं तो पहले क्या रहता है, पल्पी रहता है आम। तो पल्प मतलब ना तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो ना बहुत ज़्यादा सॉलिड हो। तो पल्प वुड के पल्प से बनता है। तो आप ये वुड का पल्प हमको किसी प्लांट से मिलता है तो इसको ये ऑप्टिंग तो नेचर से हो रहा है, लेकिन वुड पल्प बनाता कौन है, मैन बनाता है। तो वुड पल्प मैन मेड है इसीलिए इसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। वैसे इसका सोर्स क्या है, प्लांट ही। ये बहुत सारे कलर में डाई हो सकता है। सेकेंड थिंग, ये फाइबर सिल्क जैसा ही फाइबर है लेकिन ये थोड़ा सा चीप है। सिल्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है लेकिन रेयॉन हमारा चीप फाइबर है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। कुछ सिल्क जैसा दिखता है। इसको बहुत सारे कलर में डाई के साथ मिक्स करके कलर किया जा सकता है। इसको कॉटन के साथ में मिक्स किया जा सकता है, इसे कॉटन के साथ मिक्स करके बेड लिनन बनाते हैं। इसके अलावा वूल के साथ यूज करके इसके कारपेट्स बनाए जाते हैं। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे शर्ट बनाने में, टाई बनाने में रेयॉन का यूज किया जा सकता है। रेयॉन फाइबर आर वाइडली यूज सेमी सिंथेटिक फाइबर डेराइव फ्रॉम सेलुलोज एंड द अवेलेबल दीज डिफरेंट वैरायटी विस्कोस क्यूप्रो एंड द एसीटेट रेयॉन। रेयॉन इज शाइनी एंड द लस्टर एंड इट शाइनी है, लस्टर है, लस्ट्रस है एंड इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर क्लोथ मेड ऑफ द रेयॉन कैन एब्जॉर्ब सेट एंड आर देयरफॉर प्रिफर्ड ओवर क्लोथ मेड ऑफ द अदर सिंथेटिक फाइबर। अब हमारा जो रेयॉन होता है ये बहुत जगहों में यूज होता है, जैसे अभी हमने इसे पढ़ा कि उससे कारपेट्स बनाई जाती है, शर्ट बनाई जाती है, टाई बनाई जाती है और इसकी कई सारी वैरायटी है। तो विस्कस, क्यूप्रो एंड द एसीटेट इसकी वैरायटी हो गई। ये रेयॉन मोस्टली सिल्क जैसा क्यों दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, इसके ऊपर एक शाइनी सरफेस रहती है, मतलब लस्टरस है। और ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लोगों ज़्यादा पसंद किया जाता है, लाइक करते हैं। अदर जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं वो क्या कर पाते हैं, मोस्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कॉटन की तरह ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लोगों को पहनने में, इसलिए वेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। इस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आया हमारा नायलॉन। नायलॉन वॉज फर्स्ट मेड इन 1930।